हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एचपी क्रोमबुक के बारे में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एचपी ने जो अपना नया क्रोमबुक यहाँ पर जो मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि स्पेशली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो है टारगेटेड है, क्योंकि यहाँ पर काफी एक मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ पर जो एक लैपटॉप देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ मिनिमलिस्टिक फीचर्स है जो कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है स्टूडेंट्स यूसेज के लिए, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा पुश करेंगे तो उतना होगा नहीं वैसे, बट ये स्टूडेंट्स के लिए भी क्या अफोर्डेबल है और कौन से ऐसे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स को भी काम आने वाले हैं। सो लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो विद स्टार्टिंग विद आवर एचपी क्रोमबुक। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से लेकर, तो काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे इसका जो ब्लू कलर है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही एक प्रॉमिसिंग लुक आपको प्रोवाइड करता है। तो जो ये लैपटॉप है वो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट लैपटॉप होने वाला है, जहां पर आपको 11 इंचेस की एक एचडी एलईडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहां पर आपको बैकलाइट का भी सपोर्ट है और ये एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होगी। तो अगर आप यहाँ पर बाहर भी यूज करते हो, यानी कि सनलाइट में भी अगर आप यूज करते हो, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं। प्लस इसमें आपको कीबोर्ड्स भी अच्छी खासे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक लैपटॉप वाली फील देने की पूरी कोशिश की है यहाँ पर एचपी ने, क्योंकि यहाँ पर आपको लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब वो कैसे वो आपको मैं वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ। तो बात करते हैं अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो डिवाइस तो सेटअप हो गया, डिस्प्ले लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, ट्रैक पैड है, तो अभी क्या। तो अब यहाँ पर जो गेम में आता है वो इसका प्रोसेसर, यहाँ पर आपको मीडिया टेक का चिपसेट देखने को मिलता है MT8183, जो कि एक 2 GHz पे बेस्ड एक प्रोसेसर है, जहां पर आपको जो स्मार्टफोन में जो तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है वही आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी। बट ये थोड़ा बहुत यहाँ पर जो लैपटॉप के लिए डेवलप किया हुआ है, खास करके क्रोमबुक सीरीज जितने भी होते हैं उन चीजों के लिए। तो यहाँ पर आपको क्रोम का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप छोटी मोटी चीजें कर सकते हो, यानी अगर आप इसमें सर्फिंग कर सकते हो, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स यूज करने के लिए काफी अच्छा है। तो अगर आपको इसमें प्रेजेंटेशन वर्क करना है तो आप इजीली यहाँ पर जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना वर्क कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, तो ये सब चीजें आप इजीली यहाँ पर जो वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, फिर चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, तो ये सब डेटा आपको जो है यहाँ पर मैनेज करना होता है। प्लस आपको थोड़ी बहुत सर्फिंग चाहिए होती है, आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब अगर देखना है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए काफी अच्छा सा लैपटॉप है। यहाँ पर आपको 2 सेल की बैटरी देखने को मिलती है, तो बैटरी बहुत ही ज्यादा छोटी है, बट यहाँ पर डिस्प्ले भी काफी ज्यादा छोटा है, तो आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, प्लस आपको इसमें टाइप सी पोर्ट है, प्लस इसमें आपको जो है वो एक कार्ड रीडर भी दिया गया है, तो वो एक मुझे अच्छा पार्ट लगा कि कार्ड रीडर यहाँ पर मेंटेन किया है, तो आप इसमें कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हो। इसमें आपको बिल्ट इन माइक देखने को मिलता है, बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, और प्लस यहाँ पर आपको जो है वो क्रोम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो इजीली आप इसको एज अ स्मार्टफोन यूज कर सकते हो। सिर्फ इतना ही है, साइज में थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो इसको आप थोड़ा लैपटॉप का शेप दिया गया है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर वर्क करने वाला है, तो स्पेशली आपके लोगों के लिए। और इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 22,000 rupees रखी गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इफेक्टिव प्राइस है। यहाँ पर आपको 4GB की रैम मिल जाती है, जो कि DDR4 को सपोर्ट करती है, 64GB की eMMC की स्टोरेज दी है। मुझे लगता है यहाँ पर अगर UFS 2.1 भी दी होती तो मुझे लगता है थोड़ा एक अच्छा यहाँ पर खेल जाता है HP, तो ठीक है, बट आपको eMMC दिया है तो काफ़ी अच्छी है। 64GB की स्टोरेज, जो कि एक मिनिमल स्टोरेज है मुझे लगता है, अगर 128 होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, बट अभी जो कुछ भी दिया है तो यही दिया है आपको। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे आपको एक्सक्लूसिव भी देखने को मिलेगा, तो आप वहां पर जाकर प्री ऑर्डर कर सकते हो। वैसे ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉमिसिंग है इन टर्म्स ऑफ बजट 22,000 के प्राइस टैग पे, तो ठीक लगता है। आपके क्या व्यूज है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। तो बस ये वीडियो यही तक था, मिलते हैं ऐसे हमारे नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।